Good morning, my lovely children. How are you all? Fine. Very good. Students, you have done very good work in your half-yearly assessments. और बच्चे हमेशा ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी. तो चलो बेटा आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज आवर ट्रेडिशनल गेम्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स. So open your page number 78. We will start this chapter with warm-up exercise. In this warm-up exercise, you have to identify this game. आपको बेटा ये जो बच्चे खेल रहे हैं game, उसका name बताना है. सोचो. Yes, try कीजिए. Yes, its name is मार्बल्स. ये बच्चे मार्बल से खेल रहे हैं और ये एक ट्रेडिशनल गेम है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. जैसे चैप्टर का नेम है बेटा आर ट्रेडिशनल गेम्स, सो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल. टी आर ए डी आई टी आई ओ एल ए एल. ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड फैशन. जो पुराने जमाने में हम कोई भी चीज यूज करते थे और उसी ट्रेंड को हम आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को हम ट्रेडिशनल कहते हैं. जैसे हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, पुराने जमाने की भी ड्रेसेस के जो फैशन होते थे वो आज की डेट में भी हम यूज करते हैं, फॉलो करते हैं. दैट मीन्स ट्रेडिशनल. नेक्स्ट वर्ड इज इक्विपमेंट. E-Q-U-I-P-M-E-N-T. Equipment means instrument, tools. जो भी चीजें हम किसी भी काम को करने के लिए यूज करते हैं उसको हम इक्विपमेंट कहते हैं. जैसे हम इरीगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, खेती करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उनको हम इक्विपमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज पॉपुलर. पी ओ पी यू एल ए आर. पॉपुलर मीन्स फेमस. नेक्स्ट रेडर. आर ए आई डी ई आर. रेडर मीन्स अटैकर. जैसे कबड्डी के गेम में दो टीम्स होती है और एक टीम का प्लेयर दूसरी टीम में अटैक करने जाता है तो उसको हम रेडर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट चैप्टर we have studied about the importance of games. Games keep us healthy and fit. हमें fit रखता है, हमारी body healthy रहती है अगर हम regularly games खेलें. Students, in earlier time, boys and girls used to play local games. Local games क्या होते हैं? Like खो खो, कबड्डी, स्टापू, ये सब हम आज भी खेलते हैं बेटा. और बहुत सिंपल होते हैं गेम्स. दे आर ट्रेडिशनल गेम्स. ये पुराने जमाने में खेले जाते थे और आज की डेट में भी ये गेम्स पसंद किए जाते हैं. दे आर नॉट एक्सपेंसिव गेम्स. इसमें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं यूज होता जो आपको स्पेशली खरीदना पड़े. ओके, और इन गेम्स को खेलने से हमारी बॉडी भी फिट रहती है. तो चलो वन बाय वन हम इन गेम्स को समझते हैं. फर्स्ट इज खो खो. खो खो इज अ टीम गेम. और टीम गेम में क्या होता है बेटा? दो टीम्स बनती है जिसमें प्लेयर्स आपस में मिलकर खेलते हैं. खो खो में भी टू टीम्स बनाई जाती है और हर टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं. नेक्स्ट इज कबड्डी. कबड्डी इज ऑल्सो अ टीम गेम एंड इन दिस गेम ईच टीम हैज 7 प्लेयर्स. ओके, now students we will understand kho kho game with the help of this animation. kho kho game mein beta total 9 players hote hain. ek chasing team hoti hai aur ek defending team hoti hai. ye ek team game hai. isme chasing team jo hoti hai wo ek row mein baithti hai with alternate position. jaise ye dekho ye bacche baithe hain na.
एंड स्टूडेंट्स, इस टीम से एक प्लेयर रन करता है जो डिफेंडिंग टीम के दूसरे प्लेयर को आउट करता है. ओके, ये देखिए बेटा, चेजर डिफेंडर को इस तरीके से आउट करता है. डिफेंडर कैन मूव बिटवीन द रो बट चेजर कैन नॉट मूव बिटवीन द रो. उसको सीधे स्ट्रेट मूव करना होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता. ये खो खो का रूल होता है. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज कबड्डी. कबड्डी इज ऑल्सो अ टीम गेम. इसमें भी बेटा 7 प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम में, और एक टीम का प्लेयर जो रेडर कहलाता है वो दूसरी टीम के प्लेयर्स को आउट करने जाता है. अगर दूसरी टीम का प्लेयर टच हो जाता है तो वो आउट माना जाता है. तो इस तरीके से कबड्डी गेम खेला जाता है और इससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है. कबड्डी इज नोन बाय वेरियस नेम्स. कबड्डी को बेटा हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, लाइक हुट्टू हु इन साउथ इंडिया एंड हडू डू इन ईस्ट इंडिया. बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ट्रेडिशनल गेम्स. फर्स्ट गेम इज काइट फ्लाइंग. ये देखो, सुंदर सी काइट्स रखी हैं और ये काइट्स आसमान में उड़ाते हैं. और कब उड़ाते हैं ज्यादातर? यस, बसंत पंचमी जब आती है आप लोग उड़ाते हो ना आसमान में काइट सुंदर सुंदर. और ये काइट फ्लाइंग सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ पर है, सबसे ज्यादा फेमस कहाँ उड़ाई जाती है ये काइट्स? गुजरात में बेटा. और इंटरनेशनल फेयर भी होता है काइट्स का, और खूब सुंदर सुंदर काइट्स उड़ाई जाती हैं और कंपटीशन होता है फिर. ओके, आवर नेक्स्ट ट्रेडिशनल गेम इज टॉप. लट्टू जिसे कहते हैं बेटा, ये लट्टू है और थ्रेड होता है इसमें लगा हुआ. थ्रेड से हम पकड़ते हैं और लट्टू को नीचे जमीन में राउंड राउंड घुमाते हैं. तो ये भी बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में, जिसे हम टॉप कहते हैं. आर नेक्स्ट ट्रेडिशनल गेम इज चोर पुलिस. बेटा, इसमें 4 प्लेयर्स प्ले कर सकते हैं और 4 स्लिप्स बनती हैं, एक राजा की, वजीर की, चोर की और सिपाही की. इसमें स्लिप्स फोल्ड करके फेंकी जाती हैं और जिसके पास जो स्लिप आती है वो वही बन जाता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम और इट्स अ काइंड ऑफ इंडोर गेम ऑल्सो. बहुत मजा आता है बेटा इस गेम को खेलने में. नेक्स्ट टॉपिक इज मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट्स बेटा डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती है जिसमें हम अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं. सेल्फ डिफेंस मींस अपना बचाव करते हैं. अगर कोई अटैक करता है आपके ऊपर तो आप विदाउट वेपन्स, अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो आप अपनी सूझबूझ से, मींस अपने दिमाग से और अपनी टेक्निक से उस दुश्मन को मार सकते हैं. ओके, तो हम अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्शल आर्ट्स समझेंगे. बच्चों, मार्शल आर्ट सीखने के लिए हमें एक कोच की, एक गुरु की जरूरत होती है. हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में मार्शल आर्ट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लाइक गटका. पंजाब में गटका के नाम से मार्शल आर्ट को जाना जाता है. इन मणिपुर इट इज कॉल्ड थांगता. इन केरला इट इज कॉल्ड कलारीपयट्टू. एंड इन नागालैंड मार्शल आर्ट इज कॉल्ड किक फाइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो ऑफ मलकम. मलकम इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट. इसमें बेटा जिमनास्ट पोल के ऊपर प्रैक्टिस करता है. ये देखिए किस तरह से ये बैलेंस मेंटेन करता है पोल पर और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस करता है. रोप मलखम रोप के ऊपर किया जाता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में चाहिए होती है और बैलेंस भी मेंटेन करना होता है. ये देखिए, तीसरे टाइप का मलखम होता है हैंगिंग मलखम. इसमें जो पर्सन होता है, जिमनास्ट होता है, हैंगिंग पोल पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस करता है और इससे बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहती है. एब्डोमेन और बैक और आर्म्स हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. ओके,
Now students, I am going to show you a video clip of Tokyo Olympics. Tokyo Olympics में हमारी कंट्री ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. बच्चे, बहुत सारे प्लेयर्स ने कड़ी मेहनत करके इन मेडल्स को जीता है. द वेरी फर्स्ट नेम इज नीरज चोपड़ा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो. ही इज द फर्स्ट एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल. और इन्होंने बेटा हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया है. एंड ही इज फ्रॉम, यस, हरियाणा. और जेवलिन थ्रो आपको पता है कौन सा गेम होता है? इट इज एन इंडिविजुअल गेम. ओके, इज सिल्वर मेडल. बेटा हमारी कंट्री ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं. फर्स्ट मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने 202 केजी वेट उठाकर सिल्वर मेडल अचीव किया है. और बच्चों ये फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है. ओके, नेक्स्ट सिल्वर मेडल इज वॉन बाय रवि कुमार दहिया. इन्होंने सिल्वर मेडल रेसलिंग में जीता है और स्टूडेंट्स ये भी हरियाणा स्टेट के हैं. ओके, नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल. आर कंट्री हैज़ अचीव्ड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स. और सबसे पहला नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का. इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये आसाम की रहने वाली हैं. नेक्स्ट इज पीवी सिंधु. शी अचीव्ड ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन. थर्ड ब्रॉन्ज मेडल इज अचीव्ड बाय मेंस हॉकी टीम. और स्टूडेंट्स 41 ईयर्स के बाद हॉकी टीम ने ये मेडल अचीव किया है, ये भी बहुत गर्व की बात है. फोर्थ मेडल इज अचीव्ड बाय बजरंग पुनिया. अगेन ही इज फ्रॉम हरियाणा स्टेट. इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. सो स्टूडेंट्स आर कंट्री अचीव्ड 7 मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 एंड वी विश आर कंट्री विल अचीव मोर एंड मोर मेडल्स इन नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स. ओके, कम टू द रीडिंग पार्ट. ओपन योर पेज नंबर 78. वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, फ्रेश एंड एक्टिव. बच्चे हमने लास्ट चैप्टर में गेम्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि गेम्स हमें फ्रेश, एक्टिव और हेल्दी रखते हैं. अर्लियर बॉयज एंड गर्ल्स यूज टू प्ले लोकल गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी. दीज गेम्स आर आर ट्रेडिशनल गेम्स. दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट बट आर वेरी गुड फॉर रिक्रिएशन एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी. लेट अस लर्न अबाउट दीज गेम्स. बच्चों पुराने ज़माने में बॉयज़ और गर्ल्स ट्रेडिशनल गेम्स खेलते थे, लोकल गेम्स खेलते थे और आज की डेट में भी उन गेम्स को पसंद किया जाता है. ये गेम्स ज़्यादा महंगे नहीं होते, मींस इनमें कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी को फिट रखते हैं. तो चलो हम वन बाय वन ये गेम्स रीड करेंगे और समझेंगे. खो खो. खो खो इज अ टीम गेम. इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स ईच. दे ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिंग टीम. फर्स्ट गेम इज खो खो. खो खो इज अ टीम गेम और इस गेम में हर टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं. इस गेम में हम क्या करते हैं, दूसरी टीम के प्लेयर को टच करते हैं और उसको आउट किया जाता है. ओके, इन खो खो वन टीम सिट्स ऑन नी इन अ रो इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट विद ऑल्टरनेट मेंबर्स इन द रो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस. देर आर 2 टीम्स. वन टीम विल सिट इन अ रो. एक टीम जो होती है वो बैठती है एक रो में और दूसरी टीम रन करती है. द अदर टीम रनर सेंड्स 2-3 प्लेयर्स फॉर रनिंग एट अ टाइम. द चेजिंग टीम हैज़ टू चेज and touch the running player. They speak out kho with an instant touch at the back of any sitting player. Then, जो दूसरी टीम होती है जो रन करती है उसके 2-3 प्लेयर्स भागते हैं और जो बैठती है टीम वो चेजर टीम कहलाती है. वो उन प्लेयर्स को
जो रनर्स होते हैं उनको आउट करती है। और बच्चों, अगर चेजर थक जाए तो वो दूसरे चेजर को चांस दे सकता है बाय टचिंग हिम एट द बैक, एंड वो क्या कहता है, खो खो कह के उसकी बैक पर टच करके वो उसको चांस देता है टू आउट द अदर प्लेयर। रनिंग प्लेयर्स यूज डिफेंसिव स्किल एंड मूव इन zigzag मैनर। द विनिंग टीम टेक्स लेस टाइम टू टच द टीम ऑफ रनिंग प्लेयर्स। अब जो रनिंग टीम के प्लेयर्स होते हैं वो zigzag मैनर में भी भाग सकते हैं, बट जो चेजर टीम का प्लेयर होता है उसे सीधा ही भागना होता है। जो टीम कम टाइम लेती है आउट करने में रनर्स को, वो टीम विनर कहलाती है। नाउ डू यू नो पार्ट, कबड्डी इज नोन बाय वेरियस नेम्स, एग्जाम्पल हुतुहू और चेडू गुड्डू इन साउथ एंड हडूडू मैन और चू किट किट वुमेन इन ईस्ट इंडिया। स्टूडेंट्स, कबड्डी पूरे देश में खेला जाता है बट ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे साउथ में हुतुहू और ईस्ट में चू किट किट या हडू डू के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट गेम इज कबड्डी। कबड्डी इज अ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर गेम। इट हैज़ टू टीम्स विद 7 प्लेयर्स इन ईच टीम। कबड्डी एक बहुत पॉपुलर और ओल्ड गेम है। इसमें 2 टीम्स होती है, ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर्स। प्लेयर्स रेट द अपोजिट टीम्स हाफ, दे कीप ऑन स्पीकिंग द वर्ड कबड्डी कबड्डी। और स्टूडेंट्स, इसमें एक रेडर होता है जो दूसरी टीम में जाके आउट करता है प्लेयर्स को टच करके, और कबड्डी कबड्डी लगातार बोलता रहता है। द मेंबर ऑफ अपोनेंट्स टच्ड बाय द रेडर इज डिक्लेयर्ड आउट एंड सेंट ऑफ द फील्ड, बट इफ द रेडर इज कैप्चर्ड बाय डिफेंडर्स और हिज ब्रेथ रन्स आउट बिफोर ही टचेस द बॉल क्लाइन, ही इज कंसिडर्ड आउट। द टीम विद द मोस्ट पॉइंट्स विंस। अब बच्चे, अगर रेडर पकड़ा जाए दूसरी टीम से तो वो आउट माना जाता है, और वही टीम जीतती है जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मलखम। मलखम इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट। मल मीन्स जिमनास्ट एंड खम मीन्स पोल। बेटा, मलखम एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल गेम है जिसमें एक पर्सन पोल के ऊपर तरह तरह की एक्सरसाइज करता है। Thus, the name Mallakhamb means gymnast practice on a pole. The performer performs various complex exercises resulting in a smart and strong body. These exercises are most beneficial for the abdomen, back, arms and thighs. Students, ये जो exercises करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा practice की ज़रूरत है, और बच्चों ये exercises बहुत complex होती हैं, तो ये बहुत डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है, और इससे बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस गेम में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज होती हैं एक पोल के ऊपर, खंबे के ऊपर, और ये हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, और इस एक्सरसाइज से बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहती है। जो हमारा एब्डोमेन होता है, स्टमक होता है, वो भी स्ट्रांग बनता है। हमारी बैक और आर्म्स एंड थाइस वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेसलिंग। रेसलिंग और कुश्ती हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स इन इंडिया। रेसलर्स आर नोन एज पहलवान्स। रेसलिंग टू पहलवान्स ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन। स्टूडेंट्स, रेसलिंग को हम हिंदी में कुश्ती भी कहते हैं, और हरियाणा में तो बहुत फेमस गेम है ये। इसके प्लेयर्स को हम पहलवान्स कहते हैं। इस गेम में जो पहलवान्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, वो दूसरे प्लेयर को, यानी जो दूसरा रेसलर होता है, उसको गिराने की कोशिश करते हैं और पॉइंट्स बनाते हैं। सुशील कुमार एंड बजरंग पुनिया आर फेमस रेसलर ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट्स, सुशील कुमार और बजरंग पुनिया ये दो फेमस प्लेयर हैं रेसलिंग के, और अब तो बेटा गर्ल्स ने भी नाम कमाना शुरू कर दिया है, जैसे गीता फोगाट, बबीता फोगाट। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी, है ना, दंगल मूवी आई है ना इसकी। तो ये रेसलिंग एक बहुत फेमस गेम है, ट्रेडिशनल गेम है, जिसको
पूरे देश में खेला जाता है. नेक्स्ट इज taekwondo. इट इज़ अ डिफेंसिव स्पोर्ट विद अ पर्पज नेवर टू अटैक फर्स्ट. इट डज नॉट टीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट. इट्स टेक्निक इज टू मेक यूज ऑफ फ्लाइंग किक. बच्चे taekwondo एक ऐसा गेम है जो डिफेंसिव गेम माना जाता है, जिसमें कोई भी प्लेयर पहले अटैक नहीं करता, वो पहले अपना बचाव करता है. ये एक टेक्निक से खेला जाता है. नेक्स्ट इज कराटे. इट इज सिमिलर टू जूडो बट इट इंसिस्ट ऑन ऑफेंसिव टेक्निक ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग किक्स एंड पंचेस. बच्चे कराटे एक ऑफेंसिव गेम है जिसमें अटैक करते हैं थ्रू पंचेस एंड किक्स. स्पीड स्ट्रेंथ एंड टेक्निक्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. ब्लैक बेल्ट सिग्निफाइज द हाइएस्ट प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल इन कराटे. कराटे में स्पीड स्ट्रेंथ और टेक्निक का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जो कराटे में एक्सपर्ट हो जाता है उसको ब्लैक बेल्ट दी जाती है. नाउ दिस इज योर होमवर्क. रीड पेज नंबर 78 एंड 79 ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.